नमस्कार मित्रों, धन्य होती हैं वो माताएं, वो पत्नियां, वो बहनें जो अपने बेटे, पति और भाइयों को मां भारती की रक्षा के लिए सीमा पर भेजती थीं। हमारे सैनिकों और उनके परिजनों के त्याग और बलिदान के कारण ही हम सब स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जी पा रहे हैं। इसीलिए सैनिकों का, उनके परिजनों का सम्मान सदा करते रहे और बस्तर द नक्सल स्टोरी के निर्माताओं ने यही कार्य करके मन प्रसन्न कर दिया है। 6 अप्रैल 2010 के दिन नक्सलियों ने एक कायरतापूर्ण हमला करके हमारे जिन 76 वीर सैनिकों की हत्या कर दी थी, अब उन्हीं सैनिकों के परिजनों को नक्सल स्टोरी की टीम के द्वारा एक सॉन्ग लॉन्च के अवसर पर बुलाया गया था। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने हिस्सा लिया। मित्रों, जिस गीत की रिलीज पर उन्हें बुलाया गया था उसका शीर्षक है वंदे वीरम। बहुत ही भावुक कर देने वाला गीत है ये गीत। फिल्म में उस जगह पर आता है जब हमारे 76 वीर सैनिकों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई होती है नक्सलियों के द्वारा। भाव विभोर कर देने वाली पंक्तियां हैं इस गीत की। जब सैनिकों के परिजनों ने ये गीत सुना तो उन सभी की पीड़ा अश्रु बनकर बह चली। मित्रों, 15 मार्च को इस फिल्म की रिलीज डेट तय की गई है। 15 मार्च को ये रिलीज हो रही है। इन वीर जवानों को स्मरण करने का, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का स्वर्णिम अवसर है आपके पास, तो ये अवसर जाने न दीजिएगा। फिल्म अवश्य देखिएगा, वो भी अकेले नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ। ये फिल्म नक्सलवाद पर एक कड़ा प्रहार है और ये प्रहार तभी सफल हो सकता है जब आप साथ दें। वीर बलिदानियों के लिए, उनके परिजनों के लिए, भारतवर्ष के लिए ये फिल्म आप जरूर देखिएगा। बाकी वंदे वीरम गीत यदि आपने सुन लिया है तो इस पर आपके क्या विचार हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम, जय मां भारती।